प्यारे स्टूडेंट्स का, जैसा कि मैं जानता हूँ आप सभी लोग हर दिन क्लास लेते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आज फिर मैं आपका एक चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ जिसको सैयद मोहम्मद मोहसिन ने लिखा है, जिस चैप्टर का नाम है फिरार। ये आपका तीसरा चैप्टर है दोस्तों, दो चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, हमद और भाभी जान जो है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। तीसरा चैप्टर आपका सैयद मोहम्मद मोहसिन, जिसको सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब ने फिरार चैप्टर लिखा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। पहले मैं सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ा दूँ। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है ना। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है, वह नफ्सियात के प्रोफेसर थे। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ निकल गया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो नफ्सियात के ये प्रोफेसर थे, ठीक है। और नफ्सियात इनका खास मौजू था, यानी खास मुद्दा जो था लिखने का इनका क्या था, नफ्सियात ही इनका खास मौजू था और नफ्सियात के प्रोफेसर भी थे। नफ्सियात यानी कहते हैं कि किसी चीज़ को हम जो नफ्स यानी किसी चीज़ को दिल से करना, उसे हम नफ्स कहते हैं, रूह कहते हैं। इनके अफसानों का एक मजमू अनोखी मुस्कुराहट, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का मजमू का नाम क्या है, तो अनोखी मुस्कुराहट है। ये उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल व मरूफ हुआ, ये जो अनोखी मुस्कुराहट इनकी लिखी हुई, उर्दू दुनिया में बहुत मरूफ है ना। मकबूल का मतलब हर दिल अजीज, सब ने चाहा। इस मजमूए की बेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नोयत की थी, तो इनकी बेशतर यानी ज़्यादातर कहानियाँ किसकी हुई, अफसानवी नोयत की हुई, यानी अफसाना टाइप का था, सॉरी नफ्सियाती नोयत की थी। ख़ास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट, अनोखी मुस्कुराहट ख़ास तौर से। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की एक ऐसी कहानी है जिसके जिक्र के बगैर उर्दू अफसाने की तारीख शायद मुकम्मल नहीं हो सकती, यानी कि अनोखी मुस्कुराहट जो इनकी लिखी हुई एक अफसाना है, जो कि नफ्सियाती अफसाना है, इसके बगैर, इसको लिए बगैर जो है उर्दू दुनिया में, जो है उर्दू दुनिया की तारीख को हम शायद मुकम्मल नहीं कर सकते। ये सर सैयद अहमद खान, सैयद मोहम्मद मोहसिन की बहुत ही मरूफ और मकबूल जो है वो अफसाना अनोखी मुस्कुरा, ठीक है। ये नफ्सियात के प्रोफेसर थे और उर्दू दुनिया में इनकी नाम के बगैर उर्दू दुनिया में पूरा नहीं हो सकता। ये देख सकते हैं हम, सैयद मोहम्मद मोहसिन साहब है ये। अब हम कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई। इनकी पैदाइश कब हुई, 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई थी। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था, तो इनके ऑब्जेक्टिव है इनके वालिद का नाम कब हुआ, ये क्या नाम है, तो सैयद मोहम्मद रशीद। इनकी पैदाइश कब हुई, तो 10 जुलाई 1910 को पटना में इनकी पैदाइश हुई थी। मोहसिन साहब ने 1926 में राम मोहन राय सेमजी से पटना से मैट्रिक का इम्तिहान किया। तो सवाल तीन बनता है यहाँ पर कि रसी मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक कब किया, 1926 में, किस स्कूल से, मोहन राय सेमजी पटना से मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया, ठीक है। तो 1926 में इन्होंने मैट्रिक किया, मोहन राय सेमजी जो कि पटना में एक स्कूल है, वहाँ से इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था। आगे कह रहा है 1928 में पटना कॉलेज से आई है, कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि मैट्रिक के 2 साल के बाद ही हम इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देते हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा को हम पास करते हैं। तो 2 साल बाद, यहाँ देखिए 26, 2 साल, 26 में इंटर की मैट्रिक किया और 28 में पटना कॉलेज से आई ए, यानी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स को हम आई ए कहते हैं। 1931 में नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया, यानी 1931 में क्या किया, नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया, लेकिन बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी ग्रेजुएशन कर लिया। और 1934 में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास पास किया। तो देख सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी से एमए भी फर्स्ट क्लास पास कर लिया, कब किया पटना, 1934 में। तो आइए कब किया इसने, 1964 में, सॉरी 1934 में जो है वो पटना यूनिवर्सिटी एमए फर्स्ट क्लास, और वो भी गोल्ड मेडल हासिल किया। बहुत अच्छे विद्यार्थी थे ये, इन्होंने इसलिए गोल्ड मेडल हासिल किया। 1938 में पटना कॉलेज में शोबाए फलसफा में आरजी तौर पर लेक्चरर बहाल हो गए, यानी 1938 में जो था वो लेक्चरर बहाल हो गए पटना के ही फलसफा, ये पटना में लेक्चरर आरजी तौर पर, ठीक है, ये लेक्चरर हो गए पटना यूनिवर्सिटी में, नफ्सियात के ही ये प्रोफेसर लेक्चरर हुए। 1953 में वह शोबे नफ्सियात सदर, शोबे नफ्सियात के मुकर्रर हो गए, यानी पहले तो लेक्चरर हुए फिर नफ्सियात के सदर, जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं, सदर हो गए, मुकर्रर हुए। 1974 में वह अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन जो थे वो अपनी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे वो अपनी नौकरी से, मुलाजमत से सबकदोश कब हुए, तो 1974 में। ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है यार, आप पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं आपको। अब क्या कह रहा है, इस किताब, इनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट अफसानों का मजमुआ नफ्सियाती जबाई कहता, अनोखी मुस्कुराहट किस जबाई के है, नफ्सियाती
मुस्तकिल तौर पर लेक्चर बारह, फिर 1953 में सूबे नफ्सियात के सदर नफ्सियात मुकर्रर हुए। 1974 में अपनी मुलाजमत से वो सुबुकदोश हो गए। इन किताबों में अनोखी मुस्कुराहट इनका अफसानों मजमू नफ्सियाती जवाही का था, यानी अनोखी मुस्कुराहट भी अफसाने का, और नफ्सियाती मजामिन का मजमू जख्म का फूल शेरी मजमू बहुत अहम है। जख्म का फूल जो शेरी मजमू बहुत अहम है। इनके अलावा इनकी दूसरी किताबें भी शाया, यानी इसके अलावा जो इन्होंने दूसरी किताबें भी शाया की हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियाँ थी। तो कितने बेटे थे? 3 बेटे और 4 बेटियाँ। आपने 1973 में कब? 1973 में अपनी अहलिया यानी बीवी के साथ हज का फरीज़ा अदा किया। फरीज़ा क्या? फ़र्ज़ की जमा है। तो इन्होंने सैयद मोहम्मद मोहसिन 1973 में अपनी बीवी के साथ हज का फ़र्ज़ अदा कर लिया। 3 बेटी 4 बेटे था। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात 2002 में हुई। कब हुई? 2002 में इनकी वफ़ात हुई, इलाज के दौरान दिल्ली में। कहाँ हुई? तो दिल्ली में इलाज करा रहे थे, बीमार थे, तो इलाज के दौरान ही 2002 में इनकी सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात हो गई। आगे हम आपको ये पूरी हालात ज़िंदगी आपने पढ़ लिया। अब मैं उसका जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपके 5 क्वेश्चन आंसर है, वो मैं आपका कंप्लीट करा देता हूँ पूरा का पूरा हाथ का। जैसे कि आपने पढ़ा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार उर्दू के अहम अफसाना नगारों में किया जाता है, ये नफ्सियात के प्रोफेसर, तो यहाँ पर आप जैसे पढ़ा है उसको सही पूर्वक आप देखेंगे, वीडियो को पढ़ेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन अपने आप क्लियर होगा। तो पहला सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो पटना में हुई थी। इनकी पैदाइश कहाँ हो गई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हो गई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश, तो कब पैदा हुए? तो ये आप कहाँ पैदा हुए? तो पटना सिटी में पैदा हुए, ये आपको पता चल गया। दूसरा सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश, यानी ये कब पैदा हुए? तो अभी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा कि 10 जुलाई 1910 को पटना में पैदा हुए। कहाँ हुए? 10 जुलाई 1910 को ये पटना में पैदा हुए थे। ठीक है, तो दो सवाल आपका क्लियर हो गया। ऐसे आप नोट करते जाओ, ध्यानपूर्वक पढ़ो। तीसरा सवाल आपका क्या करें, ज़ेर निसाब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो अभी पढ़ रहे हो कि ज़ेर निसाब अफसाना में, तो मोहसिन का अफसाना जो है वो आपका फिरार है। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने क्या लिखा है? फिरार चैप्टर लिखा। अफसाना जो आपके किताब में है उसका क्या नाम है? फिरार है। तो हो गया ज़ेर निसाब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा है? तो फिरार हो गया। तीसरा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर में, आप देखे होंगे कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। तो इनके वालिद का नाम आप गेस करो। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या था? चार नंबर सवाल कह रहा है कि मोहसिन के वालिद का नाम, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। पांचवा सवाल है आपका कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौज़े पर महारत रखते, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को किस मौज़े पर, उसका मुद्दा क्या था जो नफ्सियात, तो इनका मुद्दा क्या था? नफ्सियात के ये प्रोफेसर थे, तो इनका खास मुद्दा क्या था? नफ्सियात था। तो आपका पांचों ऑब्जेक्टिव क्लियर। अब इन्होंने जो लिखा है फरार, वो मैं चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ और चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं क्लियर करूँगा, आप इस तरह पढ़ते रहें। एक बार फिर से मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने HR40 क्लास में, आज मैं आपको फिरार चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने लिखा है। चैप्टर फिरार है, इसके लेखक जो है वो मुसन्निफ़, जिसे उर्दू में हम मुसन्निफ़ कहते हैं, राइटर कहते हैं, वो है जो इसके फरार चैप्टर के जो है वो सैयद मोहम्मद मोहसिन है। ठीक है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ देखेंगे, उन्होंने एक चैप्टर लिखा है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जैसे यहाँ कह रहा है कि महमूद, तो ये याद रखें कि फिरार कहानी का मरकज़ी किरदार, मरकज़ी किरदार का मतलब होता है ख़ास, जिसे आप लोग हीरो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ख़ास किरदार कौन हो गया? महमूद। महमूद जो है वो माँ की करख्त आवाज़ महमूद के कान में गूंज उठी, वह बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा था। देखो ये कहानी जो है वो महमूद नाम का एक लड़का होता है और बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा होता है, हिसाब की कॉपी समेटे बगैर उठ खड़ा हुआ। इसका नाम खतरा का घंटी की तरह कान में बज रहा था, यानी वो खतरे की घंटी की तरह कान में बज रहा था। वह भागा हुआ माँ के पास आया, उसकी माँ का फरवा जिम गुस्से से कांप रहा था, जैसे तंद हवा में बरगद का दरख्त डूल रहा। यानी महमूद जो होता अपने बाजू के कमरे में हिसाब बना रहा होता और उसकी माँ गुस्सा आ जाती है, एकदम ऐसे गुस्सा आ जाती है जैसे बरगद के मतलब हवा में बरगद का पेड़ हिल रहा हो, डोल रहा हो, ऐसे भारी भरकम शरीर वाला था। और वो गरज कर कहती है, और माँ की उभरी हुई आंखें, लाल अंगारा सा चेहरा, फैली हुई गर्दन देखकर सिहम गया, गोया ये मंजर इसके लिए नया नहीं। यानी माँ का ये गुस्सा जो था ना महमूद के लिए कोई नया नहीं था। मासूम फरिश्ता की तरह नज़रें झुकाए नीचे किए महमूद रूबरू खड़ा हो गया, माँ के आमने सामने खड़ा हो जाता है। और ये मुनफाला अंदाज आने वाली आफत का मुकाबला का तनहा हथियार था ये। और महमूद जो ऐसे खड़ा हो जाता है माँ के पास, उसके पास कोई नहीं था हथियार, तो ये खामोश रहना है उसके लिए एक हथियार बन गया था,
और वो कहती है बुला उन्हें बाहर से, महमूद की माँ ने गरज, यानी महमूद की माँ ने गरजते हुए कहा कि बुला उन्हें बाहर से। बुलाने उन्हें बाहर से का क्या मतलब है कि ये उसके बाप को बुलवाना चाहती है। ये माँ उसकी जो होती है वो महमूद को कहती है कि बुला उन्हें बाहर से, कहाँ है, ठीक है महमूद, आपको बुला रही है। महमूद रुकते रुकते कहता है, यानी महमूद जाता है अपने बाप के पास और कहता है कि मुझे आपको बुला रही हैं अम्मा, मुझे क्या काम है, गुस्से में हो तो हुआ करे, उन्हें हर बार गुस्सा ही रहता है। यानी जब महमूद अपने वालिद से कहता है कि अम्मा बुला रही है, गुस्से में है, तो उसके बाप कहते हैं, वालिद साहब कहते हैं कि गुस्से में है तो हुआ करे यार, मुझसे क्या है, हर वक्त वो गुस्से में रहती है। अच्छा चलो मैं आता हूँ, उसके बाप ने कुर्सी से उठते कमज़ोर आवाज़ में कहा कि चलो ठीक है आते हैं। महमूद के बाप को देखकर जब बाप आ गया महमूद का घर, तो उसकी माँ और गरजने लगी, गुस्से में हो गई कि तुमने मिट्टी मेरी मट्टी पलीत कर दी। तो मट्टी पलीत करने का मतलब है इज्जत बर्बाद करना। महमूद की माँ उसके बाप से कहते हैं महमूद के कि तुमने तो मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, नौज उस दिन को जब मेरे बाप ने तुम्हारे साथ मेरी शादी की थी। यानी कोसती है उस दिन को कि वो भी कौन सा बदनसीबी दिन था जिस दिन मेरे बाप ने तुमसे मेरी शादी कर दी, आखिर कुछ कहोगी भी या बके जाओगी। यानी ये कह रहा है महमूद का बाप कि यार कुछ कहोगी या यूं ही बके जाओगी। महमूद के बाप ने आहिस्ता से सवाल किया, क्योंकि जब महमूद की माँ गुस्से में है और महमूद का बाप बेचारा बोल ही नहीं सकता, इसलिए वो आहिस्ते से कहता है कि बोलो तो क्या बात है, क्या वजह है। वो उसकी माँ कह रही है, उसकी माँ औरत है ध्यान दीजिएगा, कह रही है कि हाँ हाँ मैं तो बकवास मचाती हूँ, मैं पागल सरी सब कुछ हूँ। महमूद की माँ खुद अपने आप को कह रही कि उसने कहा ना कि आहिस्ता बोलो, तो कह रही कि हाँ हाँ मैं तो पागल सनकी सरी बदमाश हूँ। कह रही है कि हाँ हाँ मैं पागल सनी, अरे भाई मैंने कब तुमको पागल कह रहा हूँ, अपने मुँह जो चाहे कह लो। महमूद का बाप कहता है कि मैंने तुमको कब पागल कहा यार, तुम जो अपने मुँह चाहो जो कह लो। जैसे औरतें जो होती है थोड़ा सा कुछ ज़्यादा गुस्से में बोल जाती हैं, वैसे बोल गई, हाँ जी तुमसे शरीफ दुनिया में कौन होगा। महमूद की माँ कह रही है अपने पति को, शौहर को, कि हाँ तुमसे शरीफ कौन होगा, जाने दो मेरा जील सही कमीनी सही, लेकिन तुम्हारे घर में एक मिनट मेरा कदम नहीं रुकेगा। वो चाहती है कि हम रहे नहीं, अरे भाई खुदा का वास्ता कुछ बताओ। महमूद का बाप जो है वालिद वो गुस्से में भड़क उठा कि यार तुम बताओ भी तो क्या हुआ। और और फिर महमूद के वालिद जो होते हैं उनकी माँ को वास्ता देते खुदा का कि कुछ बताओ भी तुम क्यों गुस्से हो। तो उसकी माँ कहती है, कैसे कहते कि आहा कैसे भोले बनते हो, ऐसा लगता है कुछ जानते नहीं हो। देखो दोस्तों मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ, ऐसे पढ़ाना नहीं है पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसकी माँ कहती है कि आहा कैसे बोलते हो, ऐसा लगता है कुछ जानते नहीं हो, तुम तो बैठे बैठे सारा फसाद मचाते हो और ऊपर से देखो जैसे मोम की गुड़िया की तरह तुम बैठे हो। तो उसकी माँ कहती है कि हज़ार बार मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम वकील के यहाँ मत जाया करो, कहा है कि लफ्ज़ कहा है कलमोए कलमोए वकील के यहाँ मत जाया करो हैं, लेकिन तुम कहाँ मानने वाले, वकील की जोरू तो डायन बन के मुझलने निगलने के फिक्र में है। तो इसकी महमूद की माँ जो होती है उसके वालिद को कि वकील के यहाँ जाने से मना करते हैं, क्योंकि इसको डर होता है कि कहीं मतलब वकील की बीवी के साथ मतलब आप समझ रहे हो, तो मतलब इस वजह से रोके जाता है। लेकिन ये मानता नहीं है और तुम चले जाते हो वकील की बीवी से मीठी मीठी बातें करते हो, जो कि वकील की बीवी के साथ मीठी मीठी बातें करना महमूद की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर महमूद के पिता वालिद कहते हैं कि अरे भाई आहिस्ता बोलो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तुम खामखा शक पैदा करती हो। तो महमूद की माँ और चीख चीख कर बोलने लगते हैं कि और वकील को गालियाँ देने लगती है, हज़ार गाली देती है, सलवातियाँ देती हैं कि और वो चाहती है कि मैं और ज़ोर से बोलूँ। तो ये एक कहानी है कि महमूद नाम का एक लड़का होता है, वो जो है ना अपनी माँ के बाप के अब मतलब परेशानियों में गुजरता रहता है। अब होता क्या है आगे कि महमूद की उम्र 10 साल की होती है, महमूद 10 साल के होता है कि उनके बाप जो होता है ना वालिद साहब उनकी इंतकाल हो जाता है। यानी महमूद 10 साल का होता है तो उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो याद रखना कि महमूद के वालिद का इंतकाल कब हुआ था, तो महमूद जब 10 साल का था, महमूद 10 साल का होता है तो उसके वालिद छोड़ के चले जाते हैं, फिर उसी के कुछ दिन बाद उसकी माँ भी इंतकाल कर जाती है। तो माँ बाप का साया उड़ जाने से महमूद जो होता है वो यतीम हो जाता है। क्या हो जाता है, महमूद यतीम हो जाता है, और महमूद बिल्कुल यतीम हो जाता है, अकेला हो जाता है। तो फिर क्या कहता है, इसका माँ और बाप के इंतकाल के बाद जो है ना ये बिल्कुल यतीम हो जाता है। तो इसका एक मामू होता है, मामू इसको ले जाता है और पढ़ाई लिखाई करवाता है इसका, ठीक है मामू जो होता है वो लग जाता है। और ज़िंदगी में इतनी दुश्वारियाँ इसके महमूद के आती हैं कि ये समझ लो कि अब ज़िंदगी इसके लिए एक उस्ताद बन गई हो, परेशानियाँ ही जो होती है उसके साथ एक उस्ताद बन जाते हैं कि बेचारा बहुत परेशान होता है बहुत सारी, और ऐसा नासाजगार माहौल होता है कि इतनी ज़्यादा ठोकरें खाता है, बहुत ज़िंदगी में इसको ठोकरें खानी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे अज़्म का पुख्तगी आता है, इरादा अज़म यानी इरादा मुकम्मल नमूना बन जाता है। इसकी बचपना जो होता है वो तफूलियत में बचपन में बेकारी में गुजर जाती है, और शबाब जो होती है ना वो इधर उधर में गुजर जाती है।
मतलब ऐसा लगता है कि वो बच्चा छोटा सा बच्चे से डायरेक्ट फांद करके बड़ा हो जाता है, इस प्रकार इस तरीके से उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजरता है। उसके बाद वो एक यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में एडमिशन कराता है, वहाँ का माहौल भी अलग था। ये गरीब लड़का था और सादा टाइप का लड़का था, जिग जिग पिग पिग में, मतलब लाल हरा पीला में रहता नहीं था, वो अपनी ज़िंदगी सादा गुजारता था। लेकिन बहुत सारे बच्चे स्कूल में जो होते थे उसका मजाक उड़ाया करते थे। यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा जो होती है, लड़का लड़का दोनों, लड़का लड़की दोनों यूनिवर्सिटी में होता है और महमूद का मजाक उड़ाया जाता है। महमूद जब एक दिन क्लास में बैठा होता है, महमूद जब एक दिन रूम में कमरे में बैठा होता है, क्लास में बैठा होता है, तब उसकी उसका दोस्त लोग जो होता है ना, उसका मजाक उड़ाता रहता है। वो उसकी मतलब के उसकी हालात पे मजाक उड़ाता है। और ये लड़का थोड़ा सादगी टाइप का होता है, तो वो महमूद उसका एक दोस्त होता है, अजीम नाम का एक दोस्त होता है। वो कहता है कि यार देखो, कमरे में तुम बैठे हुए वो लड़की, जो एक लड़की का जिक्र किया गया, उसमें नाम भी दिया गया है कि खालदा, एक लड़की का जिक्र है जो खालदा होती है। कहते कि उसका दोस्त कहता है, महमूद का दोस्त कहता है अजीम कि देखो खालदा तुम्हें कैसे नज़रें झुका के देख रही है, तुम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अगर वो मुझे इस तरीके से देखती तो मैं अपना कलेजा निकाल के रख देता। ये लफ्ज़ अजीम कहता है अपने पुरजोश अंदाज में, क्योंकि अजीम को वो देख नहीं रही थी और पढ़ने लिखने वाले लड़कों की तरफ ही लड़की ध्यान देती है, तो वो थोड़ा सा उसको बरगलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन महमूद जो था वो डटा रहा, अपनी अर्जों से हटा नहीं वो बिल्कुल। और महमूद का दोस्त जो होता है अजीम, वो उसका मजाक उड़ाता है। फिर मजाक ख़त्म होती है और उसके बाद कहता है कि छोड़ो यार, उस बेचारी मासूम सी खालदा पर इल्ज़ाम मत लगाओ, ये मतलब बेतुकी बातें, इन सब बातों को ख़त्म करो, ये नामुनासिब है। और इस तरह उसके दोस्त लोग जो होते हैं महमूद को, एक बार रेस्टोरेंट में, रेस्तरा उर्दू का लफ्ज़ है जिसके माने होटल होता है, रेस्टोरेंट में आने की दावत देते हैं कि तुम चलो रेस्टोरेंट में, होटल में जिसमें जहाँ मतलब दारू वारू चलता है। और ये महमूद जो होता है तो वो शरीफ टाइप का लड़का होता है, दावत देता है, ये जाता है। लेकिन जाते जाते रास्ते में इसे एक एहसास सा होता है कि यार ये गलत जगह, हमें नहीं जाना चाहिए। और ये फिर वापस आ जाता है वहाँ से, और इसे एक नाकबद अंदेश, ऐसा लगता है कि हम गलत राह पर, तूफान आ रहा है ऐसा लगता है ज़िंदगी में, इसलिए वो वहाँ नहीं जाता। और इस तरीके से वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल से पढ़ाई कंप्लीट करके वो बाहर निकलता है ना, मतलब वो अपना इधर उधर नहीं करता। हॉस्टल से जब इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो ये खुद एतमादी का एक ज़र्ब कई दिनों तक इसके उलझनों में, मतलब तबीयत में नासाजी रहती है। और ये यूनिवर्सिटी की तालीम ख़त्म करके जो होता है वो महमूद, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद महमूद जो होता है वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, याद रखना ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। और कलेक्टरेट की जब पढ़ाई कर रहा था यूपीएससी बीपीएससी की, उस समय भी इसकी निस्बतें यानी रिश्ता आता रहता है इसका। तो याद रखना, अगर ये उस दिन खालदा के लड़की के चक्कर में पड़ जाता तो ये आज कलेक्टर नहीं बन पाता। इससे आपको सबक ये लेना मेरे प्यारे बच्चों कि लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना आपको कलेक्टर बनना है। आप देखो, ये कलेक्टर बन जाता है और एक दिन महमूद घर वापस आता है और अपनी वीरानी का एकदम, अपने आप को वीराना तनहा महसूस करता है और ज़िंदगी को बेरूह मतलब कि नकल नज़र आता है। तो इसको लगता है कि बहुत तन्हाई है, तो एक दिन फैसला कर लेता है कि हमें बहुत जल्द शादी कर लेनी चाहिए। और मतलब कि शादी करने का फैसला लेता है, लेकिन बहुत सारे रिश्ते आते हैं तो उसमें से खोजता है। तो एक रिश्ता जो होता है एक जगह का, वो लड़की की मैट्रिक कम्प्लीट न रहती है, मैट्रिक नहीं की रहती है लड़की, जिसकी वजह से ये शादी को मुलतवी कर देता है और जब निकाह करके छोड़ देता है। औकद, उर्दू का लफ्ज़ है औकद, ऐन काफ दाल, औकद के माने होता है निकाह। तो ये क्या करता है, निकाह पर आ, तो ये कलेक्ट्रेट बनने के समय रिश्ता जो आता था, उन्हीं सारे रिश्तों में से एक रिश्ता इसे अच्छा लगता है, तो वो उस लड़की से शादी करने की तय करता है। लेकिन उस लड़की की जो होती है वो मैट्रिक के इम्तिहान जो होता है ना, वो कंप्लीट नहीं रहता है, जिसके कारण तो वो क्या करता है, उस लड़की से निकाह कर लेता है और निकाह करके छोड़ देता है। और जब उसका रिजल्ट आ जाता है, इम्तिहान पास हो जाती है, तो उस लड़की का नाम ज़ुबैदा होता है। महमूद जिस लड़की से शादी करता है उसका नाम क्या होता है, ज़ुबैदा, जो कि मैट्रिक में पास कर जाती है। उसकी कामयाबी से महमूद को बड़ी खुशी है, दीवाना हो जाता है और वो अपने इस दुनिया में, ख्याल लज्जतों की दुनिया में खो जाता है। और दूसरे ही दिन महमूद अपनी शादी की तैयारी करता है दफ्तर से, करीब करीब 2.5 माह की, तो आप याद रखना ऑफिस से कितने महीने की छुट्टी लेता है, 2.5 महीने की छुट्टी ले लेता है महमूद। और वो अपने बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के लोगों को शादी में बुलाता है और वो दावत शादी में जाता है। लेकिन शादी में जब ससुराल में कदम रखता है तो एक हैबतनाक हादसा हो जाता है उसके साथ, कि मतलब उसकी आँखें बेनवा और मतहोश मतहश दिखाई देता, उलझन ना, उसका जिस्म ठंडा पड़ जाता है, एक बेरार मतलब ऐसी कैफियत हो जाती है कि वो उसका चेहरा लाल होने लगता है, धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। सारे माहौल में शादी के यहाँ हंगामा हो जाता है। जल्दी से महमूद के ससुर को बुलाया जाता है, ससुर पूछता है कि क्या हुआ, हलचल सी मच जाती है। लेकिन जब आके उसकी मिजाज की पुरसी यानी तबीयत के बारे में पूछा जाता है तो लगता है उसे सांप सूंघ गया हो और उसके मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकल, तो दफ़अतन वो गूंगा हो गया, ऐसा लगता है कि वह गूंगा हो गया है, यानी ऐसा लगता कुछ बोल ही नहीं रहता महमूद, ऐसा लग रहा था कि महमूद गूंगा हो गया। महमूद की हालात ऐसी हो जाती है उस समय, क्योंकि वो कभी औरतों के बीच में रहा नहीं, अचानक शादी के दिन बहुत सारी औरतों का
मिलना पड़ गया, तो वो बेचारा ऐसा लगता है कि वो बोलना सीखा ही नहीं हो। तो इस तरीके से महमूद अपने जनाना खाने, जनान का मतलब औरत है, जनाने खाने में जाने के बाद वो थरथराहट कांप सी बेचैनी सी हो जाती है। उसका सास ससुर आकर के पूछता है क्या हाल है, तो पता चलता है कि ऐसे बातें की कैफियत होती है। तो ये आपका उर्दू का पूरा चैप्टर फ़िरार जो था कम्प्लीट हो गया। एक बार फिर से मैं आपको कहानी इसके बारे में सुना देता हूँ कि एक महमूद नाम का जो होता है वो लड़का होता है। तो अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि इसका फिरार कहानी का मरकजी किरदार महमूद फिरार। फिरार कहानी में कितने वर्ष का महमूद होता है, तो उसके वालिद वालदा का, तो 10 साल की उम्र में उसके वालिद और वालदा का इंतकाल हो जाता है। यूनिवर्सिटी में महमूद के दोस्त होता है, उसका क्या नाम होता है, अजीम होता है। वो जिस लड़की को देखने के बाद अजीम करता है, अजीम जिस लड़की के बारे में कहता है कि लड़की तुम्हें बार बार देख रही है, मैं होता तो कलेजा निकाल के रख देता, उस लड़की का क्या नाम होता है, तो खालदा नाम होता है। फिर महमूद जो होता है पढ़ लिख करके क्या करता है, तो डिप्टी कलेक्टर बनता है। महमूद जो होता है वो पढ़ लिखने के बाद डिप्टी कलेक्टर बनता है। फिर महमूद डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद शादी करता है, उस लड़की का क्या नाम है, तो उस लड़की का नाम जुबैदा होता है। इस तरीके से आपको इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछा जाए, तो इस तरीके से आप पूरी कहानी को लिख सकते हैं कि महमूद फिरार का चैप्टर का है। इसका एक एक ऑब्जेक्टिव तब तक मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने पूरी कहानी सुना दिया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको रटना नहीं है, रचना है। मेरा क्लास लोगे, ऑब्जेक्टिव आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सुनो इस चैप्टर को पूरा, को कहानी की तरह सोने से पहले 10 मिनट सुन लिया करो। ये पढ़ने का नहीं, मेरा क्लास पढ़ने का और याद करने का नहीं होता, मेरा क्लास होता है सुनने का। आप सुनोगे और आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ये गारंटी लेता हूं मैं। इसलिए आप मेरे क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो भी 10th का दोस्त है आपका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत मजा आया होगा। आप ऐसे ही पढ़ो यार, पूरा चैप्टर को मैं कहानी पढ़ा दूंगा। मेरे यहाँ पर पढ़े हुए 10 साल से बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको आज भी याद है ये चैप्टर, तो आपको भी याद होना चाहिए यार। और आप मैट्रिक के लिए मत पढ़ो, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और कई बार इस वीडियो को सुनो, सिर्फ सुनो, मैं नहीं कहता हूँ देख के पढ़ो, सुनो। सुनने से पूरी कहानी याद होगी। फिलहाल कहानी का मरकजी किरदार महमूद, महमूद की माँ कहाँ जाने से रोकती है वकील के यहाँ से, महमूद का दोस्त जो कॉलेज में होता है उसका नाम क्या होता है, अजीम होता है। महमूद अजीम महमूद को कहता है कि वो तुम्हारी ओर देख रहे, उस लड़की का क्या नाम है कॉलेज में जो महमूद की ओर देख रहे थे, उसका नाम खालदा था। फिर महमूद कलेक्टर बनता है, महमूद की शादी जो होती है उसका नाम जुबैदा होता है। तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा क्लियर, तो इस तरीके से पूरा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो चुका है। अगला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा कल। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, कसम है आपको। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका उसी चैप्टर का, फिरार चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, ये तो आप खुद बना लोगे, यूँ बना लोगे आप, एक मिनट में बन जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों के 5 जुमला लिखे, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे, बस उसी के बारे में लिखता है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस नफ्सियात के प्रोफेसर थे, है ना, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो मोहसिन की नफ्सियात का जिक्र करें, सॉरी तसनीफ़ात, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफ़ात, उन्होंने क्या तसनीफ़ लिखी, तो मरके नफ्सियात के ऊपर प्रोफेसर थे वो। उसके बाद कह रहा है कि महमूद के किरदार पर 5 जुमला लिखे, तो महमूद कैसा लड़का था ये आपको मैं बता चुका हूँ, मुझे जवाब बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे सबको बना लोगे आप, मेरे प्यारे बच्चों आप बना लोगे, मुझे यकीन है। तो महमूद के किरदार पर 5 जुमला लिखे, और महमूद कैसा था आप कमेंट में लिख करके बताएं कि महमूद के आपने क्या सुना क्या समझा, आप लिख सकते हो, मुझे यकीन है पूरा का पूरा। और यहाँ डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसाना निगारे पर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर हैं, उन्होंने उर्दू में फिरार चैप्टर लिखा, फिरार एक नफसानी नोयत की मतलब नफ्सियाती जवाय के किस्सा है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अफसाना फिरार का मर्ज़ किरदार, तो ये देखो मैंने कहा था ना, अफसाना फिरार का मरकजी ख्याल पेश करें, तो मरकजी ख्याल महमूद के द्वारा बताया गया कि महमूद एक छोटा लड़का होता है जो कम उम्र में ही यतीम हो जाता है, माँ बाप के मर जाने से वो यतीम हो जाता है, और आगे चल के वो डिप्टी कलेक्टर बनता है, शादी होती है उसकी और औरतों के बीच में जाता है, तो इस तरीके से होता है। तो ये पूरी ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ, कमेंट बताओ, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। आपको 100% नंबर उर्दू में लाना है इस बार, 100% आपको उर्दू में नंबर लाना है इस बार, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करो, खूब शेयर करो, और बार बार सुनो पढ़ो, मेरा क्लास फ्री यार आपके लिए, फ्री बोनस क्लास है, ठीक है। तो अगला क्लास में हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।